रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू साइरस किचन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मेरे किचन में जो हम स्पेशल डिश बना रहे हैं वो है गाजर का हलवा। आजकल का सीज़न बहुत ही अच्छा है और हमें बहुत ही फ्रेश कैरेट्स जो है मार्केट से मिल जाती हैं, और अगर आप गांव में रहते हैं तो क्या ही बात है। सुबह सुबह उठें, खेत में जाएं, फ्रेश फ्रेश गाजरें तोड़ें और आप जो है हलवा बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करें, हमें तो स्पेशली जाना पड़ता है यहाँ पे जो पाकिस्तानी मार्केट है, क्योंकि ये वाली जो कैरेट्स हैं ये यहाँ पे आम नहीं मिलती हैं स्टोर्स में, तो आपको पाकिस्तानी स्टोर जाना पड़ता है। और फिर दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, और हम जो है जाते हैं उस स्टोर में। तो ये गाजर के हलवे की रेसिपी की जो फरमाइश है वो रुबाब की तरफ से थी, क्योंकि रुबाब मुझे काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि सारा गाजर का हलवा बनाओ और वीडियो भी ज़रूर बनाओ। तो ये मैं उसकी फरमाइश पे बना रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को भी ये पसंद आएगी, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये जो पाकिस्तानी कैरेट्स होती हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनका एक तो कलर बहुत ब्राइट रेड होता है और दूसरा ये कि ये जो है बहुत सॉफ्ट होती हैं और इनकी खुशबू भी लाजवाब होती है। तो ऐसी मुझे बाकी स्टोर्स में कहीं पे भी नज़र नहीं आती हैं। और कैरेट्स जो हैं बहुत अच्छा सोर्स हैं विटामिन ए का, और विटामिन ए हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो दिन में एक तो आप लाजमी खाएं, या फिर उसका जूस पिएं, या फिर किसी तरह किसी भी रेसिपी में आप इसे जो है इस्तेमाल करें, सैलड्स में या फिर खाने में, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अच्छा जी, गाजर का हलवा बनाने की जो एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही मज़े की जो टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आपने लाजमी याद रखनी है। गाजरों को काटते वक्त ना आपने एक एहतियात लाजमी करनी है, और वो ये है कि आप अपने मुंह पे जो है ना मास्क लगा लें, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो आप सारी गाजरें ऐसे ही खा जाएंगे, तो हलवा वहीं का वहीं रह जाएगा। तो लाजमी जो है ना मास्क लगा के आपने जो है ना गाजरें जो है कद्दूकस करनी है, ताकि जो है, या किसी को अगर आप दे रहे हैं कि वो आपको कद्दूकस करके दे, तो उसे मास्क भी लाजमी दे साथ में। ऑलराइट, तो चले जी, हमारा जो गाजर है वो कद्दूकस हो गई है। तो ये हमने थोड़ी बड़े बड़ा ही इसे कद्दूकस किया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसे जो है हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे। चलें जी, अब हमने हमारा एक प्यारा सा बर्तन ले लिया है, उसमें हमारी जो हमने गाजर कद्दूकस की है वो ऐड कर लेंगे। ओके जी, अब इसमें हमें जो है कोई भी चीज़ अभी ऐड नहीं करनी है। सबसे पहले अब हम इसे जो है स्टोव पे रखते हैं और इसे पकाते हैं। तो हमने इसमें कोई भी चीज़ अभी ऐड नहीं करनी है, ना तो हमने मिल्क ऐड करना है अभी, और ना ही पानी ऐड करना है। तो इसे ऐसे ही जो है ना मीडियम हीट पे हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। अब ये देखिए, इसमें से जो इसका पानी है वो थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है। चलें जी, इसे जो है अब हम स्लो आंच पे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये हमारी गाजर का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया और इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो था वो अब्सॉर्ब हो गया। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 लीटर जो है मिल्क। गाजर का हलवा बनाते वक्त आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि आपको इसके पास ही रहना, क्योंकि ये आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करें कि आप जब बना रहे हों आपके पास टाइम होना चाहिए, ताकि आप इसके पास खड़े होके इसे आप बना सकें। तो ये हलवा जो है फिर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बनेगा। फ्लेम थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, ताकि अब हमें जो है ये मिल्क को ड्राई करना है। तो बस आपने ख़ास ख्याल जो रखना है वो यही है कि आपने जो है ना चम्मच चलाते रहना है, ताकि जो है दूध जो है वो लगे नहीं, और बहुत ही अच्छा सा आपका हलवा बन जाए, आपका नहीं गाजर का। अब दूध जो इसमें हमने ऐड किया था वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, तो हमने इसका साथ नहीं छोड़ा, इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहे हैं। जो है मैंने आँच थोड़ी स्लो कर दी है, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना इसके लगने के चांसेस होते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये लग जाए और इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाए। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जो है इलायची पाउडर। आप चाहें तो आप जो साबुत इलायची होती है वो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी, ये 1/2 कप मैंने चीनी ली है वो इसमें ऐड कर लेंगे।
अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप जो है देसी घी। अब इसे हमने इतना पका लेना है कि इसमें जो हमने घी ऐड किया है वो हमें नज़र आने लग जाए और जो हमारा हलवा है वो शाइनी शाइनी हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, इनको मैंने गर्म पानी में अच्छी तरह से धो लिया था और इन्हें कट कर लिया है। तो इसे जो है हम थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करेंगे। तो जनाब, हमारा गाजर का हलवा जो है वो रेडी है और बहुत ही मज़े की खुशबू और बहुत ही मज़े का बना है। बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको अलग से खोया बनाने की और इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है या फिर ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब खोया कहाँ से आए। तो फाइनली जनाब, हमारा गाजर का हलवा रेडी है। तो मैं ट्राई करके भी देखती हूँ, तो देखने में भी तो बहुत मज़े का लग रहा है। तो खाने में कैसा है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही मज़े का बना है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसके लिए नहीं चाहिए। हमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक तो कैरेट्स और दूसरा जो है मिल्क। इन दो चीज़ों के साथ हम लोगों ने जो है यह हलवा बनाया और बाकी चीनी और जो इसमें हमने घी ऐड किया है वो तो हर घर में वैसे ही होते हैं। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स दो आपको चाहिए और इतना मज़े का आप लोग हलवा बना सकते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आई होप कि ये रुबाब को पसंद आएगी क्योंकि ये उसकी फरमाइश पर मैंने बनाया है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।